प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने लिखित प्रश्न उत्तर को कर रहे थे, तो लिखित प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। और मैंने आपको कहा था कि गृह कार्य की जब बात आती है तो केवल लिखना का अर्थ होता है, गृह कार्य में लिखना नहीं, उसे याद भी करना। तो अब तक हमने 4 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, आज हम अपना 5वां प्रश्न करेंगे। कल हमने लिखा था पतंग को सैलानी क्यों कहा गया है। सैलानी का अर्थ होता है घूमने वाला। एक पर्यटक क्या होता है, पर्यटक भी दूसरा अर्थ होता है पर्यटक, घूमने वाला, क्योंकि पतंग को आसमान में घूमना बहुत पसंद है। जिस तरह सैलानी कौन होते हैं, पर्यटक होते हैं। वो कभी कभी आपने देखा होगा हमारे शहर वाराणसी में, देश के पर्यटक, देशी पर्यटक भी कहेंगे, और विदेशी पर्यटक जो विदेशों से आते हैं, वे आते हैं घूमने, आते हैं देखने आते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारी पतंग जो है वो आसमान में घूमना चाहती है, आसमान के हर छोर तक पहुंचना चाहती है। कभी कभी तो वह सूरज को भी छूना चाहती है, तो इसीलिए उसे पर्यटक कहा गया। पर्यटक घूमने वाला होता है। तो पतंग पूरे आसमान को अपना घर समझती है तथा बिना डरे एक सैलानी की तरह उसमें घूमती है। इसीलिए हमने पतंग को, या कवि ने, पर्यटक ही कहा है और गलत नहीं कहा है, सही कहा है। वो काफ़ी हिम्मत वाली पर्यटक है, ये आम पर्यटक नहीं है। यह बिना डरे पूरे आसमान को अपना घर समझती है, अपना आंगन समझती है। कवि ने कितने इसमें हमें बताए हैं कि कभी तो वह हिरनी की तरह कूदती है अपने आसमान में, और वह एक सैलानी ही कहा जाएगा। घूमने वाले को सैलानी या पर्यटक कहते हैं, तो कवि ने गलत नहीं कहा है कि वह एक सैलानी है। उसके इसी घूमने के, हम कहेंगे व्यवहार के कारण, हमने उसे सैलानी का दर्जा दिया है। तो फिर से आपको बता दें, पतंग पूरे आसमान को अपना घर समझती है तथा बिना डरे एक सैलानी की तरह उसमें घुमा करती। तो ये था हमारा, हम कहेंगे 4था प्रश्न। आज हम अपना 5वां प्रश्न करेंगे, पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा गया। पहले हम लिख दें इसको, प्रश्न को लिखें, फिर चर्चा करते हैं, फिर उत्तर लिखेंगे। ये है हमारा अंग 5वां प्रश्न है, पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा है। कविता में आपको पता है पतंग को हिम्मत वाली सैलानी कहा गया। मैं ये पंक्ति आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है। सूरज को सबको पता है, सूरज काफ़ी ऊंचाई पे है, बहुत गर्म होता है, उसको छूने वाला जिंदा ना बचेगा, हम ये जानते हैं। इसीलिए पतंग का जो शरीर होता है बहुत हल्का होता है, एक हल्के से कागज़ से बनी होती है, और सहारा कुछ लकड़ी की तीलियों से उसको मिलता है, लेकिन उसका हिम्मत देखने लायक है। शरीर से कमज़ोर होते हुए फिर भी वह सूरज को छूने के लिए उसकी हिम्मत है। तो इसीलिए, और बिना डरे अकेले पूरे आसमान में घूमना, उसको एक हिम्मत वाली सैलानी बनाते हैं। इसीलिए पतंग को हिम्मत वाली कहा गया। वह डरती नहीं है, वो पूरे आसमान को, आसमान बहुत बड़ा होता है, पूरे आसमान में वो अपना घर समझती है, अपना आंगन समझती है, और किसी रानी की तरह घुमा करती। ये मेरे विचार नहीं, कवि के विचार हैं, और वो सचमुच सही कह रहा है कि जो व्यक्ति बिना डरे दूर दूर तक चले जाए,
और जिसकी हिम्मत हो बादलों से बात करने की, बदलों के बगुलों के साथ विचरने की, घूमने की और गगन को छूने की। लोग ऊंचाई से डरते हैं, पतंग को डर नहीं लगता। वह तो पतंग और सूरज को भी छूना चाहती। इसीलिए ये सारी इन सब ही कारणों के कारण हम पतंग को हिम्मत वाली कहते हैं। तो एक दो कारण नहीं, बहुत से कारण हैं पतंग को हिम्मत वाला कहने के लिए। तो हम जान गए हैं पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा है, क्योंकि पतंग बिना डरे गगन को छूना चाहती और सूरज को छूना चाहती। लोग सूरज से डरते हैं लेकिन पतंग को डर नहीं लगता। वह ऊंचाई पे बड़े आराम से उड़ती है, बगलों से बात करती है और बादलों से बात करती है, तो उसको कोई डर नहीं है, इसीलिए उसे हिम्मत वाली कहा गया। हिम्मती है, बहादुर है वो। भले शरीर में के से हम कहेंगे उतनी तो मजबूत नहीं है, बहुत हल्की सी होती है, हल्के से कागज और कुछ तीलियों से बनी है, और लेकिन उसमें हिम्मत बहुत भरा है। वह हिम्मत वाली, सही मायने में कहा जाए तो वह हिम्मत वाली है। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। हमारा उत्तर है, पतंग को हिम्मत वाली कहा गया है, क्योंकि वह आसमान और सूरज को छूना चाहती है। तो मैं कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो दोनों पंक्तियों को बता दूं, जहां से हमने ये उत्तर लिया है, ताकि आपको भी पता चले कारण। उड़ चली गगन छूने पतंग, यह हमारे बार बार कविता में इस पंक्ति को बार बार बताया गया है। उड़ चली गगन छूने पतंग, पतंग की क्या इच्छा है, वह गगन मतलब आसमान को छूना चाहती है और सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी, ये भी कहा गया है। तो पतंग की क्या इच्छा है कि वह सूरज को और आसमान को, गगन का अर्थ होता है आसमान, उनको छूना चाहती है, और इन दोनों चीज़ों को जो छूना चाहता है सचमुच उसमें हिम्मत होगी ही, इसीलिए उसे हिम्मत वाली कहा गया। तो हमने एक तरह से देखा जाए तो अपनी तरफ से नहीं, कविता से ही लिखवाया है। कवि की जो है इच्छा उसी के अनुसार हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हैं। हम अपना उत्तर नहीं थोप रहे, कविता के अनुसार ही लिख रहे हैं। बच्चों, ये थी हमारी उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर। ये हमारा लिखित प्रश्न उत्तर था। हमने पूरे प्रश्न कर लिए हैं, 5 जो प्रश्न हैं वो लिखित हैं और 6 प्रश्न जो थे वो मौखिक थे। मौखिक हमने चर्चा करके हल किए हैं, लिखित हमने लिख के किए हैं। आप इसे याद भी करेंगे। आज का गृह कार्य है कि आपको जो प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के,
लिखित प्रश्न उत्तर उसे लिख करके याद करना है। मैं इसीलिए बड़े फॉन्ट से लिखता हूँ कि ताकि आप इसे आराम से नोट कर सकें, आसानी से देख सकें, तो ये आपको मेरे ख्याल से अब याद हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने व्याकरण भाग में। हर पाठ के पीछे जो व्याकरण वाला हम कहेंगे भाग होता है, भाषा से के अंतर्गत आता है। तो हम चलते हैं अपने भाषा से के अंतर्गत दिया है, पढ़ो और समझो उसको करते। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज का गृह कार्य है सभी लिखित प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिख करके याद करना। हमारे यहाँ बच्चों को याद करने में बहुत परेशानी हो रही है, लिख तो लेते हैं लेकिन याद नहीं करते। तो गृह कार्य में दोनों चीज होता है, लिखना और याद करना। कुछ बच्चे तो याद करने को गृह कार्य मानते ही नहीं, ऐसी बात नहीं, याद करना भी उतना ही जरूरी है जितना लिखना। अब मैं अपनी भाषा से पे आ जाता हूँ। भाषा से पढ़ो और समझो, पहला प्रश्न है। पढ़ो और समझो, इन शब्दों को देखो, चित्र विचित्र, पहला शब्द है चित्र विचित्र। उसी तरह देश विदेश, उसके बाद दूसरा दे रखा है पूंछ पूंछ, सवार सवार, सवार चार शब्द हैं इनको भी लिख देते हैं। दिल विदेह, ख्यात विख्यात, जन जन। फिर हम कहेंगे ये व्याकरण का बच्चों, ये भाषा से के अंतर्गत में हम जो व्याकरण का शब्द विचार है, व्याकरण के तीन भाग होते हैं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये शब्द विचार के अंतर्गत है। इसमें हमें शब्दों को क्या कहना है, पहले हमें पढ़ना है और समझना है, शब्दों को पढ़ के समझना है। दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, चित्र और विचित्र,
दोनों में दो अलग अलग शब्द हैं, इसमें आगे वी लगा है। इस चित्र का अर्थ होता है जो आप चित्र बनाते हैं, और विचित्र मतलब अनोखा। चित्र किसी भी चीज की छवि का चित्र बनाया जाता है चित्रकार द्वारा, क्या हम कहेंगे कि कैमरे से भी चित्र आप खींचते हैं इमेज, और विचित्र के लिए अनोखा, तो दोनों के अर्थ अलग हैं, चित्र और विचित्र। पाठ के अनुसार से बताया जाए तो पाठ के अनुसार हमने देखा था कि जो पतंग है वह विचित्र दिखती है, अलग अलग जीवों से उसके अंग लिए गए हैं इसीलिए वह विचित्र सी दिखती है, अलग से अनोखी। यहाँ विचित्र का अर्थ बुराई से नहीं लिया गया है, अनोखा से लिया गया, क्योंकि अगर किसी जीव में अलग अलग जीवों के अगर अंग लगा दिए जाएं तो वह जरा सी अजीब हो जाएगी, निराली लगेगी, आकर्षक ही लगेगी। हमें यहाँ पे गंदे या बुरे के तौर पे नहीं बोला है। तो चित्र चित्रकार द्वारा बनाई जाती है या कैमरे द्वारा खींचा जाता है, विचित्र मतलब अनोखा। देश और विदेश, हमने एक आपको अभी आज ही कक्षा में बताया था, देश पर्यटक दो तरह के होते हैं, देश के होते हैं और विदेश के। देश के लोग हमारे शहर वाराणसी घूमने आते हैं, धार्मिक महत्व के कारण भी आते हैं। यहाँ पे गंगा नदी है और भगवान शंकर का स्थल है, तो इसी कारण से देश के पर्यटक यहाँ पे आते हैं, और विदेश के पर्यटक भी वाराणसी को देखने आते हैं, जो विदेश के नागरिक हैं। तो देशी और विदेशी शब्द इसी से बना है, देश मतलब देश के, और विदेश से विदेशी शब्द बना है, और देश विदेश, देश मतलब अपना देश, विदेश दूसरों का देश या पराया देश को विदेश बोलते हैं। जो देश हमारा नहीं है हम उसे विदेश बोलते हैं। हमारा देश भारत है, हम भारतवासी हैं, तो ये हमारा देश है, और अन्य देशों को हम विदेश बोला जाता है। अन्य देश हमारे नहीं है, विदेशी हैं, या अन्य देशों के लिए हमने विदेश शब्द किया, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसे शब्द अगला है पूंछ और पूछ। उच्चारण में जरा सा अंतर है, वर्तनी में तो अंतर है ही है। पूंछ क्या होता है, किसी जानवर की जो पूंछ आपने देखी है, मनुष्यों को छोड़कर लगभग सभी चौपाए जो चार पैरों पर चलने वाले जानवर होते हैं उनकी पूंछे होती है। चौपाए का अर्थ होता है चार पैरों पर चलने वाले जानवर, तो पूंछ तो शरीर का एक अंग, जानवरों के शरीर का एक अंग है। पूंछ मतलब पूछना, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछते हैं। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं आपको कोई पता एड्रेस पूछना पड़ता है तो ये पूंछ हो गया, ये पूंछ। पूंछ शरीर का एक अंग होता है, जानवरों के शरीर का एक अंग होता है, और पूछना मतलब हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पूछा करते हैं। संवार सवार, संवारना मतलब अपने आप को सजाना, आप दर्पण में अपने आप को संवारते हैं, अपने बाल को कंघी से कंघी करते हैं, बालों को संवारते हैं। आपने महिलाओं को देखा होगा वे दर्पण के आगे अपने आप को संवारती हैं। दूसरा है सवार, जो किसी की सवारी करे। अगर कोई घोड़ी की सवारी करता है तो हम कहते हैं घुड़सवार। कोई व्यक्ति बस पे बैठा है तो हम कहेंगे वह बस का सवार, वह बस पर सवार है। तो दोनों में ये है संवार सवार। उच्चारण का पूरा ध्यान देना बच्चों, फिर से
उच्चारण भाग जो है, इसीलिए इसमें कहा गया है पढ़ो और समझो, पढ़ना जरूरी है, आपको बोलना भी है। तो इसका आप घर में जोर से इन शब्दों को बोल के पढ़ेंगे, अर्थ तो मैं बता रहा हूँ, और मेरे उच्चारण पे भी आप ध्यान दीजिएगा कैसे पढ़ना है। ये है संवार और सवार, संवार सवार, पूछ 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 पूछ, देश विदेश, चित्र विचित्र चित्र विचित्र, देश विदेश, पूछ पूछ, सवार सवार। तो ये था हमारा। अब अगले पे आते हैं, और भी शब्द हैं। देह, शरीर को देह कहा जाता है, हमने देह का अर्थ होता है शरीर, विदेह मतलब बिना शरीर की, विदेह का होता है जिसका जिसका कोई शरीर ना हो, विदेह, देह का अर्थ होता है शरीर, विदेह बिना शरीर वाला, विदेह का है बिना शरीर के। विख्यात और ख्यात और विख्यात ये भी है, विख्यात मतलब जो काफी प्रसिद्ध हो, जैसे कि जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के नाम पे हम कहेंगे काफी विख्यात हैं, देश विदेश में उनको लोग एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। ख्यात का भी अर्थ है ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त को ख्यात कहा गया, विख्यात को भी प्रसिद्ध कहा गया, अर्थ लगभग समान। रंग और रग, रंग आपको पता है, रंग इंग्लिश में कलर्स कहा जाता है, रंग का क्या अर्थ होता है, अलग अलग तरह के रंग होते हैं, सात रंग तो आपने जानते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं। और दूसरा है शब्द है रग, रग का अर्थ होता है कि आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ, हर कण कण में रग रग में जोश, शरीर का हिस्सा हो, हम कहते हैं कि हम जब तिरंगे को देखते हैं तो हमारे रग में जोश आ जाता है, शरीर के हर हिस्से में रग में जोश आ जाता है। जंग और जंग, जंग का होता है हम कहेंगे युद्ध लड़ाई, जंग का क्या अर्थ होता है, युद्ध और लड़ाई, जंग मतलब संसार, यहाँ अंग्रेजी वाला शब्द नहीं है, जग का अर्थ है संसार, तो जंग का अर्थ है लड़ाई या युद्ध, दो देशों के बीच युद्ध होता है उसे जंग भी कहते हैं, और जो जग है संसार का भी हम कहेंगे पर्याय भाषी शब्द है संसार का जग। तो ये था हमारे शब्द, एक बार इनके उच्चारण पे फिर से हम ध्यान देते हैं। देह विदेह, ख्यात विख्यात, रंग रग, जंग जग। तो ये था हमारा हम कहेंगे शब्द भाषा से के अंदर, हमने इनको पढ़ा और इनके अर्थ को समझा। आपको इसका उच्चारण करना है, सबसे पहले पढ़ना है और फिर समझना है कि ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, उनका शब्दार्थ भी हमने बताया, अब अर्थ आपको बता दिया गया है, एक बार फिर से उच्चारण पर ध्यान करेंगे। पढ़ो और समझो, तो पढ़ना है चित्र विचित्र, चित्र मैंने आपको अर्थ बताया था, चित्र जो चित्रकार बनाता है या आप कैमरे से फोटो खींचते हैं उसे चित्र कहेंगे। चित्र कथा आपको पता है, जिसमें कथा चित्रों के माध्यम से बताया जाता है उसे चित्र कथा कहा जाता है, तो अब तो चित्र का मतलब आपको पता चल गया है। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, जो सामान्य तौर पे हमें ना दिखे, अनोखा। तो इसमें हम पतंग कविता में हमने देखा कि पतंग विचित्र सी दिखती है, उसकी चाल विचित्र हो जाती है क्योंकि मछली की तरह चलती है और उसमें अलग अलग जीवों के अंग लगे हुए हैं, तो इसलिए वो बड़ी विचित्र दिखती है। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, विचित्र का क्या अर्थ होता है, अनोखा। देश विदेश,
स्वदेश, अपने देश को के लिए हम देश शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका वाक्य अगर बना भारत हमारा देश है, मेरा भाई विदेश में पढ़ता है, मतलब भारत में नहीं किसी दूसरे अन्य देश में पढ़ता है। वाक्य से भी आपको अर्थ पता चल जाएगा, भारत हमारा देश है और मेरा भाई विदेश में पढ़ता है, तो विदेश का अर्थ है दूसरे देश। पूंछ और पूंछ, पूंछ मतलब जानवर के शरीर का अंग, बंदर की पूंछ बड़ी लंबी होती है, बंदर की पूंछ बड़ी लंबी होती है। हमें अभी इसका वाक्य बनाया पूंछ, अगर पूंछ का, मैं अपने मित्र से उसके घर का पता पूछ रहा हूँ, मैं अपने मित्र के घर का पता पूछ रहा हूँ। पूछना मतलब जानकारी लेना। सवार, बच्चे कंघी से बाल संवारते हैं, बच्चे कंघी की मदद से बाल संवारते हैं। सवार, मैं बस पर सवार होकर पिकनिक गया, मैं बस पर सवार होकर, सवार मतलब बैठकर, मैं बस पर बैठकर पिकनिक गया। सवार का अर्थ होता है बैठकर, सवार मतलब सजाना, अपने आप को सजाना। फिर से देखो, सवार का अर्थ होता है सजाना। औरतें अपने आप को दर्पण में देखकर संवारती हैं। सवार मतलब बैठना। हम बस पर सवार होकर पिकनिक गए, तो हमने वाक्य भी प्रयोग कर दिए, वाक्यों से भी शब्द का अर्थ ज्यादा घोषित हो जाता है। देह, देह मतलब शरीर, देह और विदेह, विदेह जिसका शरीर ना हो, हम कहेंगे जो भूत होते हैं वो विदेह होते हैं बिना शरीर के, और देह मतलब शरीर। ज्वर के समय मेरा देह गर्म हो जाता है, ज्वर मतलब फीवर की बात की गई है यहाँ पे, तो ज्वर के समय देह गर्म हो जाता है, विदेह हम कहेंगे भूत विदेह होते हैं, उनका शरीर नहीं होता। ख्याति मतलब जो प्रसिद्ध हो, तो वाराणसी में की गंगा आरती ख्यात है, और विख्यात मतलब जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में विख्यात हैं। रंग, इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, आपको पता है रंग, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं। रंग, तिरंगा देखकर सभी के रग रग में जोश आ जाता है, चाहे बच्चे हों, चाहे सैनिक हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सबकी जोश आए। जंग, हमारे देश की पाकिस्तान के साथ जंग हो चुकी है, युद्ध को कहते हैं, हमारे देश की पाकिस्तान के साथ जंग हो चुकी है। और है जग, जग यहाँ पे जग का अर्थ है संसार, ये जंग था, जंग का अर्थ होता है युद्ध। तो हमें जग के सभी लोगों को अपना भाई बहन मानना चाहिए, पूरे संसार को ही हम कुटुंब मानते हैं, तो जग कहा जाएगा। तो जग के सभी मनुष्यों को अच्छा काम करना चाहिए, जग के सभी मनुष्यों को अच्छा काम करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष प्रश्नों को हम
कल करेंगे, आज के लिए बस इतना है।